तो नीतीश कुमार जी पर विश्वास रहेगा, लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे या किस तरह से स्वागत करेंगे इस चीज का? नीतीश कुमार पर विश्वास की बात नहीं रही, विश्वास करने की भूल जाइए, नीतीश कुमार वो नहीं, इसकी जवाब पब्लिक देगी 2024 से लेकर 2025 तक। सड़क सड़क के चलता है इसी को सरकार कहते हैं, बात बात ने बदल जाए इसी को बिहार सरकार कहते हैं। गारंटी वाली बात कहाँ से हुई? जो एक नहीं दो नहीं तीन बार चार बार पांच बार धोखा दे दिया हो वो गारंटी वाली बात कहाँ से आती हो? तो उसके लिए वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। इस तरह से शिवसेना का जो पूरा समीकरण हुआ वही है सर, वही होगा इनके साथ, वही होगा। तो ये नीतीश कुमार का शिवसेना वाला हल हो जाएगा एकदम पूरा, जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, पार्टी चली गई, सब अब सही बेकार हो जाएगा, कोई फिर रहेगा नहीं इसके, जदयू ये खत्म होगा। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे? मैं समझ रहे हैं, कुर्सी का घमंड समझ में कहां से आएगा, बंद हो गया है। सभा के बाद इनका हालत बहुत खराब कर देगा बीजेपी। क्या खराब कर देगा? वही जो हाल था, जो पलटी मारने वाला नौबत था, बुरी हाल होगी। जो मोदी साहब हैं उनको भी पता है कि बिहार में अगर इलेक्शन जीतना है तो नीतीश कुमार को लेके चलना पड़ेगा। कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। और उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी, अब मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। लिहाजा बहरहाल हमको इसमें ज्यादा तूल नहीं देना है, लेकिन एक रुबाई अलग से ले जाइए कि जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्ता बना दे। अरोरों के शबो रोज दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तो इस मुल्क के नेताओं को इंसान बना दे। वोट गोपनीय चीज है। क्या मूड बनेगा आप लोगों का? मूड बनेगा इनका एंटी मूड बनेगा, एंटी मूड बनेगा, एंटी मूड बनेगा। नीतीश कुमार एंटी नीतीश की ये एज अ मुख्यमंत्री उनका आखिरी शपथ ग्रहण समारोह ही होगा, और अभी लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि समीकरण बदल जाए। देखिए सरकार इस पलटी मार है, जब मौका मिलेगा पलटी मार देंगे, इस पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के बाहर और ढोल बजने शुरू हो गए हैं। किसी भी वक्त अब खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये शपथ ग्रहण समारोह दूसरा कब होता है? कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं? और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से अब बिहार में दो राय निकल करके आ रही है कि एक उन्होंने ठीक किया, एक राय निकल करके आ रही कि नहीं, अपनी सुविधा अनुसार फिर से उन्होंने पलटी मार ली, तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण समारोह, नौवां शपथ ग्रहण समारोह जो अभी हो रहा है, क्या यही अंतिम है विधानसभा चुनाव तक, या नीतीश कुमार फिर से पलट करके जा सकते हैं और हो सकता है कि फिर दोबारा आरजेडी के पाले में चले जाएं? तो ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं, और यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के भी समर्थक भी हैं, समाजसेवी भी हैं, राजभवन के बाहर हमारी मौजूदगी है, ढोल बार बार यहाँ पर बज भी रहे हैं, बीच बीच में रुक जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण समारोह तो हो रहा है जी, लेकिन क्या यही अंतिम है या फिर दोबारा फिर ये मुझे मेरे ख्याल से ये अंतिम ही है। नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, समय पे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, और भाजपा और नीतीश जी का जदयू का जो गठबंधन छोड़ा क्यों था फिर? छोड़ा कुछ आपसी विवाद, आपसी समस्याओं की वजह से। कैसे समझाएंगे लोगों को आप? देखिए सवाल तो यही है ना कि समझाओगे कैसे लोगों को समझाएंगे? लोगों को समझ में आता है जो व्यवहार आरजेडी का नीतीश जी के लिए था, नीतीश जी काफी सम्माननीय नेता है, और नीतीश जी के लिए जो व्यवहार आरजेडी का था वो असहनीय था। क्या क्या असहनीय? आपने बहुत सारा चीज देखा होगा, बहुत सारी बाइट, बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा आया जो एक सम्मानित नेता के लिए। दो चार स्टेटमेंट आप बताइए। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी वो उन्होंने उससे एक बताइए ना। अभी वो बहुत सारे है, सीरीज ऑफ थिंग्स है जो उन्होंने नीतीश जी को कहा कि नहीं, नीतीश जी को सोचने पे मजबूर किया कि आप कह रहे सीरीज है, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट है, मैं कोई एक कह रहा हूं। लालू परिवार का जो स्टेटमेंट रहता है आए दिन नीतीश जी के सम्मान के खिलाफ रहता है। क्या खिलाफ रहता है? कोई तो बताइए। अभी जो परिवारवाद पे जो स्टेटमेंट था वो मुझे लगता है अभी और भी प्रभावित किया, और वो
बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो उन्होंने कहा कि एक परिवारवाद तब नहीं था, तब भी तो लालू के उतने ही बेटे थे, उतने ही बेटे बेटियां थे, उतना ही परिवार था जब उनका दामन थामा। एक समझदार पार्टी के साथ गठबंधन, एक मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन कहीं से भी अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। और हम लोग तो छोड़ा क्यों छोड़ा, आपस में अपनी सुविधा अनुसार तब पलटी मार ली, सुविधा अनुसार अब पलटी मार नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लोग समझते हैं रिश्ते को समय के साथ आंका जाता है कि आप किसके साथ बेहतर है। देखिए यही अब जेडीयू के सामने और बीजेपी के सामने यही मुसीबत होने वाली है कि जब गांव देहात में गली चौराहों पर जब इनके समर्थक खड़े होंगे तो कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, कैसे लोगों को अपने जो है संतुष्ट करेंगे कि नीतीश कुमार का तब पलटना ठीक था या अब पलटना ठीक है। और नीतीश कुमार जो पलट करके इधर आए हैं वो इधर ही पलट करके रहेंगे या दोबारा पलट करके जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है या नहीं है, ये लोग सवाल पूछेंगे। जब जनता के बीच में नेता जाएंगे, समर्थक जाएंगे, तो सवाल होगा। तो नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये आखिरी है, अंतिम है, या फिर पलट करके इस तरफ और उस तरफ? देखिए ये पलटने की जो बात है, ये पलटने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर तो जो मुख्यमंत्री जी हैं, सीधे मुख्यमंत्री जी माननीय वो हैं और पहले भी थे, हेमा तो पलट ही गया ना, पहले एनडीए फिर इंडिया, विपक्ष उन लोग पलट रहा है, हम लोग थोड़े पलट रहे, हम लोग तो जहाँ जहाँ स्थिर है। लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे आपसे कि आपका ऐसा क्या वजूद है, आपकी क्या राजनीति है, क्या रणनीति है कि कभी इधर कभी उधर, लोग तो पूछेंगे ना, गली चौराहे पर लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। हम लोग जिस चेयर पे थे, जो हम लोगों के लिए जो काम करना था, हम लोग तो उस कुर्सी पर ही हैं। लोग जो है गलत काम कर रहे हैं तो हट रहे हैं, उनकी गलत मानसिकता जो क्या सही कर रहे थे जब आप आरजेडी के साथ आए थे, देखिए वो अलग विषय है, क्या कर रहे थे इस पर कहने की जरूरत नहीं। आप भी समझ रहे हैं और बिहार की जनता भी समझ रही है, मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं। अच्छा अभी सुनिए ना, रोहिणी आचार्य जी का क्या बयान आया 3 दिन पहले, एक ट्वीट के ऊपर सरकार गिर गई। नहीं नहीं वही मामला नहीं ना है तो, और ये तो हम ऐसा ही चाहते हैं ना हमेशा। तो सवाल यही तो है कि पिछली बार एक मिनट रुकिए, पिछली बार जिस तरह से सरकार गिरी तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इस बार तो नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं बोले, तो इस बार मुद्दा क्या है जिस मुद्दे को लेकर के आप छोड़ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत है, आप जो है विकास के साथ चलना ही नहीं चाह रहे, आपका मानसिकता। अभी देखिए इनके शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर जी जो थे, क्या बोल रहे थे, मतलब बयानबाजी से अब सरकार पलट देंगे, आपके लिए इतना आसान है? अरे नहीं, बयानबाजी का मतलब ये हुआ कि बयानबाजी का मतलब ये हो रहा है कि ऐसे तो चार नेताओं के बयान उधर से भी मिल जाएंगे, चार बीजेपी के नेता, चार कांग्रेस के नेता, चार दूसरे राजनीति में रहते कुछ न कुछ। सार्वजनिक जीवन में भाषा का मर्यादा हमेशा रखना चाहिए, भाषा का मर्यादा बीजेपी का नेताओं का क्या क्या रहा जब नीतीश कुमार को लेकर के वो बोलते रहे? लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अभी भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, कभी भी अभी साल भर पहले अमित शाह जी का क्या बयान था? उन नीतिगत विरोध कर किए हैं, लेकिन असभ्य भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी नहीं। गिरिराज सिंह के क्या बयान है? उन्होंने कभी अमर्यादित शब्द तो नहीं बोला, कभी उनके नीतियों का हमेशा विरोध किया। आपके सम्राट चौधरी पगड़ी खोलेंगे? समय के साथ पगड़ी खोलेंगे। समय कब आएगा, मतलब बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी फिर नीतीश कुमार टाटा बाय बाय? सम्राट चौधरी जी तो ऐलान कर दिए हैं कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो या तो अपराधी का गया में पिंडदान होगा या नेपाल भाग जाना पड़ेगा, तो एक सप्ताह के अंदर में उप मुख्यमंत्री तो बने हैं। तो बीजेपी की सरकार थी ना, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार। आप सम्राट चौधरी जी की बात पूछ रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है एक सप्ताह के अंदर बिहार में, आप सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पगड़ी ये कहकर के जो है वो घूमते थे कि पगड़ी मैंने पहनी नीतीश को हटाने के लिए, और अब नीतीश के नीचे ही जो है वो डिप्टी सीएम बन गए, तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल पूछेंगे, समय के साथ उन्होंने कहा है ना, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया। सम्राट चौधरी जी कहे हैं कि समय के साथ पगड़ी खुलेगा, जो आज खुल जाएगा। तो मतलब कोई बयानों का मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है कि आप पगड़ी ये बांध करके बैठे कि हमने नीतीश को हटाना है और नीतीश के नीचे ही जा करके बैठ गए। राजनीति में परिस्थितियां सब कुछ तय करता है। देखिए कोई कंफर्टेबल नहीं है, कोई खुल करके जवाब नहीं दे पा रहा, और यही मुसीबत खड़ी होने वाली है। और इसी बात का डर है कि जब गांव देहात में चौक चौराहों पर बीजेपी के नेता जाएंगे, जेडीयू के नेता जाएंगे, या आरजेडी के नेताओं से भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा कोहिनूर उनको नजर आने लगा था नीतीश कुमार में, जब वो संयोजक बनाने की बात कर रहे थे, पीएम फेस बनाने की बात कर रहे थे, और आज नीतीश उनके साथ भी नहीं है, तो सवाल दूसरी तरफ भी पूछा जाएगा। तो ये नीतीश का उधर जाना और इधर आना और फिर आप शपथ ग्रहण समारोह, मैं देख सत्य को कोई परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है, सत्य में इतनी शक्ति सबके है। सड़क सड़क के चलता है, इसी को सरकार कहते हैं, बात बात ने बदल जाए, इसी को बिहार सरकार कहते हैं।
ऐसा तो मत नहीं मार को क्या कहते हैं, इधर पलटी मार रहे हैं, उधर से मार पलटी मार। सरकार मेरा भारत का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाने हैं, यहाँ स्थिति और परिस्थिति को देखना है। नहीं तो इसको क्या है, इसको क्या कहते हैं, इधर से पलटी इसको क्या। देखिए सरकार पलटी मार रहे हैं, जब मौका मिलेगा पलटी मार देंगे, इस पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। तो ये आखिरी शपथ ग्रहण है या फिर से दोबारा कोई शपथ? एकदम कोई गारंटी नहीं ले सकता है इस पर, कल क्या होगा कल किसी ने देखा नहीं है। अभी बीजेपी वाले इनके साथ क्या करेगा कल बताएगा समय आपका। तो नीतीश कुमार की गारंटी नहीं है? नहीं है, गारंटी नहीं है पॉलिटिक्स में किसी का। गारंटी खत्म हो गई है बिल्कुल। बात कहां से रही है? गारंटी वाली बात कहां से हुई? जो एक नहीं दो नहीं तीन बार चार बार पांच बार धोखा दे दिया हो वो गारंटी वाली बात कहां से आती हो? तो उसके लिए वर्ड यूज नहीं किया जा सकता गारंटी। व्हाट डू मीन बाय गारंटी? नथिंग। तो नीतीश कुमार जी पर विश्वास रहेगा, लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे या किस तरह से स्वागत करेंगे इस चीज का? नीतीश कुमार पर विश्वास की बात नहीं रही, विश्वास करने की भूल जाइए। नीतीश कुमार वो नहीं, इसकी जवाब पब्लिक देगी 2024 से लेकर 2025 तक। यही बात है कि नीतीश की गारंटी है या नहीं है? सही बात है, यानी कि जो बोले हैं सो बिल्कुल सही कहे। एक बार नहीं, अब तो बिहार जो बिहार वासियों को बाहर में अदर स्टेट में दिक्कत होगी, जिसे स्टेट का सीएम जो है वो विश्वसनीय नहीं रहा, तो क्या उसकी जनता पे क्या भरोसा किया जाए? धर्मेंद्र भैया आपकी चैनल को हम बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी फिर इंडिया गठबंधन से भी पूछा जाएगा कि आप नीतीश को क्या भरोसा करके लेकर के आए थे इधर? इंडिया गठबंधन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अच्छे करेगा, क्योंकि पब्लिक समझ गई है जनरेटी जो है वो जो प्रॉपर क्या होना चाहिए वो पब्लिक। नीतीश कुमार जी का ये आखिरी शपथ ग्रहण समारोह है या फिर से पलटी मार करके एक बार और शपथ ग्रहण भी देखेंगे? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एज अ मुख्यमंत्री उनका आखिरी शपथ ग्रहण समारोह ही होगा, और अभी लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि समीकरण बदल जाए, फिर कोई और मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री भाजपा के बीजेपी के थ्रू ही कोई होंगे, और नीतीश कुमार के लिए भाजपा ने कोई और रोल रख रखा होगा, या तो केंद्र में या फिर तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी लोकसभा के। ज्यादा संभावना मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, 4 महीने नहीं, अगली विधानसभा तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, और अगली विधानसभा के बाद मेरे हिसाब से बीजेपी के ही कोई मुख्यमंत्री बने। अगली लोकसभा तक फिक्स है ये लोकसभा जो जस्ट जी 2024 के बाद, आफ्टर दैट नीतीश कुमार कम्प्लीटली विल बी रिप्लेस बाय। क्या कह रहे हैं? लोकसभा के बाद इनका हालत बहुत खराब कर देगा बीजेपी। क्या खराब कर देगा? वही जो हाल था, जो पलटी मारने वाला नौबत था, बुरी हाल होगी। नहीं तो एक सवाल बुरी हाल है, एक मिनट, एक सवाल जो है वो ये लोग ये पूछ रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक तो बीजेपी को अपना सीट चाहिए और नीतीश कुमार को सीट चाहिए, तो हो गया सब कुछ, और लोकसभा के बाद में वही एकनाथ शिंदे की तरीके से, शिवसेना की तरीके से खेल खत्म, पार्टी खत्म, कुर्सी खत्म, समस्या है बहुत बिकट। और लोकसभा चुनाव आ गए हैं निकट, आई लोग चाह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए टिकट, ये टिकट का सवाल खड़ा है सरकार में थे तो इनको और इनके पास मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं धरती पर पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, या कोई चाय पिला दिया था चाय पी लिया, कोई ना सकता, मैं एक भिखारी हूँ, मैं भिखारी हूँ, अब मेरे पास स्पष्ट बोलने का लाचारी है नहीं। लेकिन जो बिहार का वोटर है वो अब क्या फैसला लेगा? वोटर की बात सरकार, वोटर के देखे एंटी जो है एंटी नीतीश कुमार, वोट जो है गोपनीय है, वोट गोपनीय चीज है। क्या मूड बनेगा आप लोगों का? मूड बनेगा इनका, एंटी मूड बनेगा, एंटी मूड बनेगा, एंटी मूड बनेगा नीतीश कुमार, एंटी नीतीश कुमार। इस बात को मान लीजिए वोटर समझदार हो गया, पहले से पढ़ाई एजुकेशन इज बैक ऑन द कंट्री, सिंचाई देश का रीढ़ है, शिक्षित हो गया, समझदार हो गया। नहीं तो ये जिस तरह से शिवसेना का जो पूरा समीकरण हुआ वही है सर, वही होगा इनके साथ, वही होगा, तो ये नीतीश कुमार का शिवसेना वाला हल हो जाएगा एकदम पूरा, जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, पार्टी चली गई, सब अब सही बेकार हो जाएगा, कोई फिर रहेगा नहीं इसके, जदयू ये खत्म होगा। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे? नहीं समझ रहे हैं, कुर्सी का घमंड समझ में कहां से आवेगा, बंद हो गया है, खुलेगा 24 पार होने दीजिए, खाली 400 पार करना उसके बाद गए। तो ये जिस तरह से शिवसेना का प्रकरण हुआ, बार बार वो याद आ रहा है, बार बार वो सवाल उठ रहा है कि शिवसेना वाला हाल तो कहीं बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार का 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ना कर दे कि पार्टी भी खत्म और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खत्म, या फिर नीतीश कुमार एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ गए हैं जिनको अब कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा में भी खूब अच्छी सीटें आएंगी, 2019 वाली स्थिति रिपीट हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के हर दिल अजीज नेता है नीतीश कुमार जी,
इस लिहाज से मेरे तरफ से एक जुमले ले जाइए कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, सुन रखा होगा आपने, बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। लेकिन पलटी मार कैसी हो? देखिए बिहार को ऊंचाई नहीं, बहुत ये बहार हो कि पलटी मार हो, आप बिहार को बहुत ऊंचाई पर पहुंच। जुमले तो लोग वैसे भी कहते हैं कि जुमलों से लोग परेशान है। सही बात तो ये है कि आपको देख करके मैं, मुझे लग रहा है कि सारे नेताओं की खिंचाई कर दूं, लपेटे में नेताजी ले लीजिए दो तीन शेर, अगर आपको मैं सुनता भी रहता हूं तब ये शेर ले जाइए, अगर यहाँ पे पब्लिक के मिजाज के लिहाज से थोड़ी। हालांकि मैं नीतीश कुमार जी का फिलवक्त बहुत बड़ा फैन हूँ और उसका एक उदाहरण है ये, लेकिन लपेटना अगर हो तो सारे नेता में से किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, और लपेटे में नेताजी बनाइए। और ये शेर कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है, और उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी, अब मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। लिहाजा बहरहाल हमको इसमें ज़्यादा तूल नहीं देना है, लेकिन एक रुबाई अलग से ले जाइए कि जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्ता बना दे, अरोरो के शबो रोज दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तो इस मुल्क के नेताओं को इंसान बना दे, और सबसे मिलो किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो इंसान की खिदमत किया करो। ये जान के रखिए कि इस वक्त मैं नीतीश कुमार जी का हर दिल अजीज भतीजा भी कह लीजिए तो मैं यूं कह सकता हूं कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चचा राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। अरे एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगो, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगो, नीतीश कुमार जी को समझना कांग्रेस वालों, तेरे बस की तो बात ही नहीं। अच्छा रुको, अब बिगड़ गए हैं, बिगड़ी उनकी दासा, जैसे चुर चुर होते हैं बतासा, न शराब है न गांजा न किसी पर करना सा, और समय आता था ऑटोमेटिक छूटा ला सा, दुनिया देख रही है नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी के जैसा कोई नेता नहीं। क्या बात है, हमारा सीएम भी लाजवाब, हमारा पीएम भी लाजवाब। नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, और नरेंद्र मोदी जी के सामने से क्या लाचारी थी कि नीतीश के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। बिहार में अगर बीजेपी को आना है तो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी दे रहे, और इधर 40 का नारा दे रहे, और उसके बाद में भी नीतीश कुमार को बार बार जो है वो पकड़ करके लाना पड़ता है, और नीतीश कुमार को भी उधर जाना पड़ता है। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हाँ। जो मोदी साहब हैं, उनको भी पता है कि बिहार में अगर इलेक्शन जीतना है तो नीतीश कुमार को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नीतीश के नीतीश से बड़े नहीं है। मोदी नीतीश कुमार बिहार के बहुत चहेते नेता हैं, हाँ। आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए। अच्छा। मैं जब जंगल राज का समय भी देखा हूँ, मैं कैसे जंगल राज के साथ जाकर के रहते हैं, रहते क्या, मेरा तो ऐसा था कि मेरे पिताजी बताते थे कि तुम अब बड़े हो गए हो तो इतना अच्छा देख रहे हो ना माहौल, मेरे समय में बाहर निकलना पाप था 6 बजे के बाद, ये मैं देखा हूँ नीतीश कुमार की सरकार तो फिर उन्हीं के साथ बनाते हैं ना, तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं भाई, हमको नीतीश कुमार से मतलब है, अगर राजा अच्छा होता है तो प्रजा ऑलरेडी, राजा का कोई कुर्सी ठिकाना ठोर ठिकाना है भी, या राजा सुबह यहाँ पे शाम यहाँ पे दोपहर वहाँ पे, वो जान रहे हैं कि हमको बिहार का जनता का भलाई करना है, और वो जानते हैं कि कैसे भलाई होगा, ठीक है। देखिए बिहार, मैं पहले भी कहा कि बिहार की धरती वो अपने आप में एक अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके के जो है वो धरती, और आप अब राजभवन के बाहर हम मौजूद हैं, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरह की डुगडुगी बस्ती हुई आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर नीतीश की जय जयकार करने वाले लोग हैं और नीतीश की हाहाकार करने वाले लोग हैं, और डंके की चोट पर लोग कर रहे हैं, तो ये बिहार की धरती और बिहार का जो डीएनए, या बिहार का, हालांकि डीएनए वाली बात पर तो बहुत कुछ चला जाएगा, तो अब यही सवाल बड़ा है कि लोगों को कैसे जो है वो इधर के नेता और उधर के नेता जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो कैसे अपने पाले में खींचेंगे, और सवाल वहां पर भी होंगे, और जैसे यहां पर जीभ लड़खड़ा रही है और जीभ जो है वो अंदर अंदर घूम रही है लेकिन बोल करके शब्द बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कि नीतीश कुमार को राजा बता रहे हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को सर्वोत्तम बता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को सहारा लेना पड़ रहा है नीतीश कुमार का, 400 पार की बात करते हैं, राम मंदिर के लहर में कहा 50 लाख लोगों को बिहार से लेकर के जाएंगे, उस सब के बावजूद अगर आपका इतना बड़ा जनाधार है और इतना आपको लग रहा है कि 400 पार इस बार सीटें हो रही है, 40 यहाँ पर हो रही है, तो आखिरकार नीतीश कुमार जिसको लेकर के यहाँ के बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो पगड़ी बांध करके घूमते रहे,
तो उनको क्यों आखिरकार नीतीश कुमार को अपने साथ में लाना पड़ा? क्या नीतीश के बगैर नरेंद्र मोदी जी का वाकई जो है वो गुजारा नहीं है, या वाकई उनको अपनी कुर्सी पहले प्रिय है कि कम से कम 2024 के चुनाव में अपनी कुर्सी सलामत रहे और उसके बाद में बिहार की कुर्सी पर कब कौन बैठेगा इसको बाद में तय कर लिया जाएगा? क्योंकि सम्राट चौधरी यही बात कहते रहे कि पहले नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है और तभी पगड़ी खोलनी है, और आज वही सम्राट चौधरी। अब देखिए राजनीति में इससे ज़्यादा जो है वो और क्या जो है वो आईना देख सकते हैं आप, कि वही सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के नीचे डिप्टी सीएम बन गए हैं जो नीतीश कुमार को हटाने की बात कर रहे थे, या फिर ये वक्त भर की बात है बस केवल सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार वो उद्धव ठाकरे के तरीके से ना पार्टी और ना सीएम वो वाली हालत में जो है वो नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे, सवाल ये है। और शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होने वाला है, लेकिन ये कितने वक्त तक ये जो नए सीएम दोबारा से नीतीश कुमार दोबारा नहीं बल्कि नौवीं बार बनने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार दसवीं बार क्या आरजेडी के साथ जाकर के फिर से बनेंगे, या नीतीश कुमार का नौवीं बार अब नो एंट्री इसके बाद में राजभवन में बतौर शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो आए, तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये सारे सवालों को लपेटे हुए है। और जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर चाहे वो इस तरफ के लोग हों चाहे उस तरफ के लोग हों चाहे और जो है समाज सेवी लोग हैं प्रशासन के लोग हों, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि हाँ ये सवाल तो वाजिब है, ये सवाल तो जरूरी है, लेकिन इन सवालों का उत्तर आज नहीं मिल पाएगा, आज किसी के पास में नहीं होगा। आज कोई इस बात को नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के इधर आने से बीजेपी को जेडीयू को बम्पर फायदा होने वाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव वाली ही स्थिति रहेगी, या फिर जनता इस बार नीतीश कुमार को सबक सिखा देगी और इस बार हालत जो है वो खराब हो जाएगी। 2014 में नीतीश कुमार की सिर्फ दो सीटें आई थी लोकसभा के अंदर, तो क्या वो वाली स्थिति आ जाएगी? और क्या ये जो समझौता हुआ, ये जो इधर से उधर जो खेमा बदलने की बात हुई, क्या वो सिर्फ इसलिए हुई है कि नीतीश कुमार की भी स्थिति लोकसभा के अंदर अच्छी हो जाए और बीजेपी की भी स्थिति अच्छी हो जाए और उसके बाद में कौन कहाँ जाएगा कौन किसके साथ बैठेगा फिर से देख लेंगे? क्योंकि एक दिन लगता है, सिर्फ एक दिन लगता है इधर से उधर खेमा बदलने में, एक दिन लगता है इधर से उधर जाने में। तो क्या जो बीजेपी के नेता ये कहते रहे, खुद अमित शाह जी का बयान है जनवरी 2023 का, साल भर पहले का, कि नीतीश कुमार जी के लिए रास्ते बंद है, और अब आरजेडी के नेता, अभी तक आरजेडी इस पूरे प्रकरण को लेकर के जिस तरह से ये सरकार गिर करके अब नई सरकार बनने जा रही है, तो आरजेडी की तरफ से कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव अभी तक उनका कोई तीखा बयान नहीं आया है, कल उनका जो बयान था बैठक के अंदर वो यही बयान रहा कि आदरणीय थे हमारे नीतीश कुमार और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये पॉलिटिक्स भी समझना जरूरी है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है आदरणीय बताने की, इसमें क्या कुछ छिपा हुआ है और क्या वाकई सॉफ्ट रह करके तेजस्वी यादव लोगों को एक नए तरीके की राजनीति उनके सामने रख करके अपने खाने में अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है, आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जरूर हो जाएगा, लेकिन आज जो सवाल खड़े हुए हैं इस नई राजनीति से, जो सवाल खड़े हुए हैं इनका जवाब कब मिलेगा और इनका जवाब बिहार की जनता किस तरह से देगी ये वक्त बताएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और आप क्या सोचते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।